जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं दे वर डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार्स, लेकिन दे वर नॉट फेयर टेस्ट, दे वर बाइस्ड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो पिक्चर्स आप देख रहे थे, स्लाइड्स देख रहे थे ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस के लिए, वो डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स रखती है, सो दे बिकम बाइस्ड। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो रिक्वायर करते हैं कि दे शुड बी कल्चरली फेयर। फॉर दैट मैटर, अगर आप कोई भी टेस्ट डेवलप करते हैं तो हम जनरली उन कहते हैं कि दे शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड कल्चरली फेयर टेस्ट, मीनिंग देयर बाय देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो हम उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए हम फॉलो करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है जिसमें आप एबिलिटी या कॉम्पिटेंसी जज करते हैं लर्नर की, उसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ऐसा ही एक एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने जो डेवलप किया, मैं उसके थ्रू आपसे शेयर करूंगी कि व्हाट आर दी स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट। कोई भी टेस्ट अगर आपने कंसिडर करना है, चाहे एटीट्यूड है, चाहे एप्टीट्यूड है, चाहे वो आपका इंटरेस्ट है, कोई भी टेस्ट जब आपने कंस्ट्रक्ट करना है, आपको कुछ जो स्टेप्स हैं वो कॉमनली फॉलो करने होते हैं। जो कुछ स्टेप्स हैं वो कॉमनली फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब मैंने जो एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया वो था मैथमेटाइजेशन एबिलिटी पे, लेकिन मैथमेटाइजेशन एबिलिटी जो है वो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं 8th क्लास तक, उनकी मैथमेटाइजेशन एबिलिटी जो है वो प्रॉपरली डेवलप होनी चाहिए थ्रू ऑल दीज 8th क्लासेस। अब मैथमेटाइजेशन एबिलिटी डेवलप हुई या नहीं हुई, इसके लिए हमारे पास कोई एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए जो ये समझ पाए कि हाँ वो टेस्ट कर पाए कि मैथमेटाइजेशन एबिलिटी डेवलप हो गई है। उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अब मैंने तो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी किया है, आप साइंटिफिक एबिलिटी भी कर सकते हैं, आप आर्ट एबिलिटी भी कर सकते हैं, आप म्यूजिक एबिलिटी भी कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने ही करने हैं, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब जब आपने एप्टीट्यूड टेस्ट को प्लान करना है, उसमें आप सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपका एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है, आप उस कंस्ट्रक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को, मैं कॉन्सेप्ट की जगह कंस्ट्रक्ट शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ कि वहां कोई एक बात नहीं बताती कि हाँ इसमें ये एप्टीट्यूड है, वहां बहुत सी बातों का कलेक्शन ये बताता है कि हाँ इसमें ये एप्टीट्यूड है। इसलिए हम कंस्ट्रक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, कॉन्सेप्ट का नहीं कर रहे। तो जो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी है वो एक कंस्ट्रक्ट है, एप्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट है, और उस मैथमेटाइजेशन एबिलिटी के ऊपर जब हमने टेस्ट बनाना है तो प्लानिंग में क्या करना है, हमने सबसे पहले हम उसको ये समझेंगे कि मैथमेटाइजेशन एबिलिटी को डिफाइन कैसे किया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्ट है ये उन्होंने दिया हमें स्कूल के बच्चों के लिए, तो उनके दिमाग में क्या है इस कंस्ट्रक्ट को लेके, तो हम क्या कर रहे हैं उनको, हम उस मैथमेटाइजेशन एबिलिटी को वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किन फीचर्स के साथ डिफाइन कर रहे हैं, हम उसको समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि लैंग्वेज का कौन से शब्दों का प्रयोग करना है हमें। जैसे अभी मैडम पिछले सत्र में बता रही थी कि ये शब्द जो है जजमेंटल है, ये नॉन जजमेंटल है। हमें यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है कि कोई इंडिकेटिव शब्द प्रयोग ना किए जाए जहां से बच्चे सीधे सीधे जो है वो गेस लगा सके कि हाँ ये सवाल का ये जवाब नजर आ रहा है। So, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें लैंग्वेज का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है।
जो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी है उसमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो है उसको हमने देखना है कि बच्चे कैसे वेरिएबल्स को मैथ्स की इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सपोज करो आर्ट एबिलिटी के लिए कर रहे हैं तो बच्चे कैसे अपने एक्सप्रेशंस को अपने शब्दों को पिक्चर्स के द्वारा आर्ट के द्वारा प्रेजेंट कर पाते हैं, है ना। तो जो चीजें मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो कंस्ट्रक्ट है उसकी आपको बहुत क्लियरली ये प्लान करना है कि आपने उसको कहाँ से उसका बेसिक डेफिनेशन और फीचर्स लेने हैं। तो हमने वहां से सबसे पहले लेने हैं जहां से उस कंस्ट्रक्ट को शुरू किया गया है, क्योंकि शुरुआत किसी बेस को लेके की जाती है। फिर हम डिजाइनिंग के स्टेज पे आते हैं। डिजाइनिंग के स्टेज पे क्या है कि हमने जो भी हमारा कंस्ट्रक्ट है एप्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट उसको हम लेके आइटम्स जो हैं उन्हें लिखते हैं, फ्रेम करते हैं, डिजाइन करते हैं, एक रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं कि ये आइटम जो है हमारे इस टेस्ट का हिस्सा बनेगी। वी आर राइटिंग हाउ दे विल एक्सप्रेस दी वन वर्ड इक्वेशन, हाउ दे विल एक्सप्रेस दीज वेन डायग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली आप अपने जो कंस्ट्रक्ट आपने लिया है आप उसकी आइटम्स को फ्रेम करेंगे। अब जब आप आइटम्स फ्रेम कर लेते हैं तो आप एक्सपर्ट्स पे एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेते हैं। हम एक्सपर्ट ओपिनियन एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, दैट इज रॉन्ग। एक्सपर्ट ओपिनियन जब लेनी होती है तो हम उन्हें आइटम्स के साथ उनके जो एक्सप्रेशंस आते हैं जो वो ऑब्जर्वेशन देते हैं एक्सपर्ट, हम उसे प्रॉपरली नोट करते हैं कि सपोज वी हैव टेकन 10 एक्सपर्ट्स, हर एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशन हर स्टेटमेंट पे हम नोट करते हैं, क्योंकि उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अब हमने आइटम्स की फ्रेमिंग करनी है, फाइनलाइजेशन करनी है और तभी वो रिलायबिलिटी के लिए हम एक्सेस कर पाएंगे। अब जब मैंने ये टेस्ट बनाया तो उसमें मैंने आइटम्स जो थी वो एक्सपर्ट्स को जब दिए तो बहुत सी आइटम्स एक्सपर्ट्स ने डिलीट कर दी। एक बात ध्यान में रखने की ये है कि जब आप एक्सपर्ट्स को आइटम्स भेजते हैं उसके साथ आपने कॉन्सेप्ट नोट भेजना होता है उस कंस्ट्रक्ट के बारे में कि ये कंस्ट्रक्ट जो है ये मैंने कहाँ से लिया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है और इस कंस्ट्रक्ट से मैं प्रिसाइजली एप्टीट्यूड ये वाला एप्टीट्यूड या ये कैपेसिटी या ये एबिलिटी को मेजर करने वाला हूं। तो क्या आपकी राय में ये आइटम इस कॉन्सेप्ट नोट के अकॉर्डिंग लिखी गई है? आपको जब आपने टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को भेजना होता है अपना टूल, वहां पर पहले आप क्या भेजते हैं, कॉन्सेप्ट नोट देते हैं और फिर आप वो आइटम्स भेजते हैं। जब मैंने ये भेजा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से मैंने कॉन्सेप्ट नोट डेवलप किया था और जो हमने भेजा तो हमारी आइटम्स 40 रह गई। फिर आया कंस्ट्रक्शन स्टेज। कंस्ट्रक्शन स्टेज में हमने प्री ट्राई आउट किया। अब कंस्ट्रक्शन हो रही है टेस्ट की। अब हमने आइटम्स लिखे, हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें आइटम्स पे रिफ्लेक्शन दे दिए, पर जिनके लिए लिखे हैं उनकी भी तो हमें रिफ्लेक्शन चाहिए ना। हो सकता है हमने जिसके लिए लिखा है उसको ये भाषा ही समझ नहीं आ रही है, हो सकता है कि हमने जिसके लिए लिखा है उसके लेवल से ये बहुत लो लेवल की टॉक हो रही है, हो सकता है जिसके लिए लिखा है उससे बहुत हाई लेवल पे ये आइटम जा रही है। तो हमने पहले उस लेवल के बच्चों को प्री ट्राई आउट के लिए उसको दिया और अब हम आइटम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट जो कंस्ट्रक्ट था उसका कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया, किसके आधार पे, प्लानिंग के आधार पे। फिर हमने आइटम्स लिखी उस कॉन्सेप्ट नोट को सामने रखते हुए और फिर हमने उन आइटम्स को के ऊपर रिफ्लेक्शंस मांगे एक्सपर्ट से, कॉन्सेप्ट नोट भी भेजा और आइटम्स भी भेजे और जब हमारे को रिफ्लेक्शंस आ गए, अब हमने आइटम्स को लिखा ठीक से
और अब हमने उन्हें ट्रायआउट के लिए दे दिया। किसको दिया? जो टारगेट ग्रुप है हमारा, उनको दिया। अब उस ट्रायआउट में हमने थोड़े से बच्चे लेने हैं उस क्लास के, जो जिस क्लास की हम बच्चों की एबिलिटी, मैथमेटाइजेशन एबिलिटी हम टेस्ट करने वाले हैं। अब 8th क्लास के लिए कॉन्सेप्ट दिया है नेशनल करिकुलम, तो हमने उनके जो बच्चे हैं 8th क्लास के, बोलिए, उनको वो टेस्ट हमने दिया और उस टेस्ट में ऑब्जर्वेशंस भी ले लिए हैं कि बच्चे उस टेस्ट को करते हुए कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। वो थक रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, वो कम टाइम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो है टेस्ट को हम उनके ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं। अब जब हम ये ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहे हैं तो हम इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि बच्चा जब उसको अटेम्प्ट कर रहा है तो वो हमारे पास आके क्या पूछता है, कि उसकी मीनिंग पूछ रहा है, वो ये समझने की कोशिश कर रहा है आइटम उससे क्या चाहती है, क्या आइटम की उसको क्लैरिटी नहीं हो रही है। हम ये भी माइन्यूटली नोट करते हैं। और जब हम ये सारी ऑब्जर्वेशंस अपनी अब ले रहे हैं, पहले हमने एक्सपर्ट्स की ली, अब हमने ट्रायआउट लेके उनकी ऑब्जर्वेशंस ली उस सैंपल की, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसे प्रॉपर, अब इनिशियल जो ड्राफ्ट हमारा 40 आइटम्स का, अब उनसे फिर से रिफाइन कर रहे हैं। रिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एम्बिग्यूटी ऑफ द आइटम्स, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर वीकनेस ऑफ द टेस्ट विच इज रेफरिंग टू द टायर्डनेस और फटीग ऑफ द लर्नर। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि बच्चों को फटीग और टाइटनेस ना हो। ये सारी ऑब्जर्वेशंस को अब लेके, पहली ऑब्जर्वेशन एक्सपर्ट्स की थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने फील्ड की ली है। अब उनकी उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अब हमने 40 आइटम्स का जो ड्राफ्ट है उसको हमने क्या किया, हम रिफाइन किया हमने। अब हमने फिर से उसे 8th क्लास के बच्चों को दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने इंक्रीज कर दिए हैं, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब क्यों इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? क्योंकि अब हम फाइनल टेस्ट प्रिपरेशन की तरफ चल पड़े हैं। अब उसमें हमने क्या करना है, आइटम एनालिसिस। अब चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, चाहे वो एटीट्यूड टेस्ट है, चाहे वो इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, इन सभी का प्रोसेस सेम है। अब इसमें आइटम एनालिसिस जो करना है हमें, वो कैसे करना है, आइटम एनालिसिस क्यों करना है? हम चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो हमें ये बताए कि भाई इन बच्चों में तो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी डेवलप हो गई आपके पढ़ाने से, इन बच्चों में अभी भी डेवलप नहीं हुई है आपके पढ़ाने के बाद भी। हम ये चाहते हैं हमारा टेस्ट इस बात को डिस्क्रिमिनेट करे, तो उसके लिए हमारी हर आइटम जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करे। अब जब डिस्क्रिमिनेट करने की बात है तो इसका मतलब आइटम का कोई डिफिकल्टी लेवल भी एस्टेब्लिश करना है हमें। हमें ऐसी आइटम्स नहीं चाहिए जो सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है, अगर सभी नहीं कर पाए तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसी भी आइटम्स नहीं चाहिए जो सबके लिए इजी है, अगर सब कर लिए, सभी ने कर लिया, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमें आइटम का डिफिकल्टी वैल्यू समझना पड़ेगा। अब हम उसे कैसे समझेंगे? स्टैटिस्टिकली उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने वो 100 बच्चों को टेस्ट दिया। अब हम उन बच्चों के जो स्कोर आया है हमारे पास, हम उसको अरेंज करते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर की तरफ, हाईएस्ट स्कोरर से लोएस्ट स्कोरर की तरफ। यानी कि अगर हमारा 100 नंबर का टेस्ट था, किसी बच्चे के 100/100 आए तो वो पहले नंबर पे हमने उसको लिख दिया, स्कोर कर दिया उसका, कि ये ए बच्चे का 100 नंबर आया। फिर
दूसरा हमने देखा उससे इमीडिएट नीचे 98 नंबर वाला आ रहा है, बी बच्चे का 98 नंबर आया। इस तरह से करते करते हम सबसे कम स्कोर वाला बच्चे तक पहुंच जाते हैं। अब 100 बच्चे हमने सारे टॉप रैंक से लोएस्ट रैंक तक अकॉर्डिंग टू स्कोर्स लगा दिए। अब इसमें हम 27% टॉप एंड 27% बॉटम के स्कोरर्स लेते हैं, यानी कि 100 में से सबसे ऊपर के 27 लोग और उन्हीं उसी लिस्ट में सबसे नीचे से काउंट करेंगे 27 लोग। सबसे नीचे वाला पहले नंबर पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से 27 लोग, और सबसे ऊपर से पहला, दूसरा, और इस तरह से 27 लोग। तो 54 लोग हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो बाकी 46 है उनको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए कि हमने ये क्राइटेरिया जो फॉलो किया है, क्या ये ठीक है? हम जब स्टैटिस्टिक्स का लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें एक कैले है जिन्होंने इस क्राइटेरिया को बहुत ठीक से एक्सपेरिमेंट किया है और स्टडी किया है, और उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिश किया इस क्राइटेरिया को कि किस तरह से हम आइटम की सिलेक्शन के लिए इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। इसलिए इसे हम कभी कभी कैलेस क्राइटेरिया के नाम से भी लिख देते हैं। तो उसमें हमने अब टॉप 27 एंड बॉटम 27 जो है वो ले लिए हैं। अब जब हम टॉप 27 और बॉटम 27 लेते हैं, तो उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि जितने भी हाईएस्ट स्कोरर्स हैं उनमें उन लोगों ने करेक्टली आंसर किया है तभी हाईएस्ट स्कोरर बने ना वो, और फिर हम देखते हैं जो नीचे से हमारा ग्रुप आ रहा है उसमें कितने लोगों ने करेक्टली आंसर किया है उस पर्टिकुलर प्रश्न को। अब जैसे जो बच्चा 100/100 ले रहा है उसने तो इसका मतलब किया है उसको करेक्ट, लेकिन जो बच्चा 98/100 ले रहा है हो सकता है उसने पहली आइटम को करेक्ट ना किया हो। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने की है कि जब हम आइटम की स्कोरिंग देख रहे हैं उसमें हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें पहले हम जो है जितने भी एग्जामिनर हमारे बच्चे हैं पहले 27% में टॉप में उन्होंने कितने लोगों ने उस प्रश्न को सही कहा, और जितने लोएस्ट 27% में बच्चे हैं उन्होंने उनमें से कितने बच्चों ने उस प्रश्न को सही कहा। हो सकता है सभी ने उसको सही कहा हो नीचे वालों में, और ऊपर वालों में हो सकता है सभी ने सही कहा हो ना? तो ये हमारा जो है एक स्कोर आ गया। फिर हम उसे डिवाइड किससे करते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं हाईएस्ट ग्रुप में और लोएस्ट ग्रुप में, कितने होंगे टोटल नंबर, हाईएस्ट में 27% है, लोएस्ट में 27% फिक्स्ड है वो। तो अब हमने इसको इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करके डिफिकल्टी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब डिफिकल्टी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की, अब प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि कैसे पता लगे कि हमें इस डिफिकल्टी वैल्यू वाली आइटम को रखना है और इसको नहीं रखना है। तो मैंने बताया जैसे कि जहां सभी सही हैं उस आइटम को रखने का कोई फायदा नहीं, दूसरी तरफ जहां सभी उस आइटम को गलत कर रहे हैं उसको भी रखने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब जो डिफिकल्टी वैल्यू हमें चाहिए स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग वो चाहिए जिसमें 60-40 हमारे पास रेशो आ रही हो, यानी कि जो आइटम है वो हमारे पास कैसे कि कुछ लोग उसको सही कह रहे हैं कुछ उसको गलत कह रहे हैं, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा आता है वो 50-50 या 60-40 का आता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है 60-40 या 50-50 वाला, जब हम ये हमारे पास जब डिफिकल्टी वैल्यू इसकी आती है तो हम उसको आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये तो
डिफिकल्टी वैल्यू की बात हुई, अब डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स भी इसी का हिस्सा है। अब अपने क्या करना है, जितने भी जो फॉर्मूला इसमें फर्दर ऐड कर रहे हैं हम, वो ये है कि जितने भी करेक्टली आंसर कर रहे हैं लोग एक पर्टिकुलर आइटम को, और जितने भी लोअर ग्रुप में आंसर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आइटम को, उनको हमें उस स्कोर से हम एक वैल्यू निकालते हैं डिफिकल्टी इंडेक्स की। अब देखो दोनों जो डिफिकल्टी वैल्यू है और डिफिकल्टी इंडेक्स है, ये दोनों ही फॉर्मूलाज में आप क्या देख रहे हैं कि जो लोग करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं RH, और जो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं RL, मींस हाईएस्ट स्कोरिंग ग्रुप और लोएस्ट स्कोरिंग ग्रुप में जो करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं हम उनको पिक कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं हम उनको पिक कर रहे हैं, यानी करेक्ट आंसर्स देने वालों के अंदर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी आइटम डिपेंडेबल है इस बात को समझाने में कि किसके अंदर मैथमेटाइजेशन एबिलिटी है और किसके अंदर मैथमेटाइजेशन एबिलिटी नहीं है। फिर है कि हम फाइनल ड्राफ्ट अब जो ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट जो है अब हमारा किस पे बेस्ड है, हमारे पास कितनी टोटल आइटम्स थी टेस्ट में, 40 आइटम्स थे। अब 40 आइटम्स के बेसिस पे हम जब ड्राफ्ट लेते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि वो आइटम्स लेंगे जिनका डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स और जिनका जो वो है डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू दोनों हमारी जो है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मींस जो ये बताती है कि हाँ जो लोग सही जवाब दे रहे हैं हाईएस्ट ग्रुप में और जो लोग सही जवाब दे रहे हैं लोएस्ट ग्रुप में, उनमें अब हमने ये देखना है कि हमें कौन सी आइटम को सिलेक्ट करना है। अब हमारा फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। अब फाइनल ड्राफ्ट में हमने ये जो दोनों फॉर्मूलास यूज किए हैं इसकी अब हम ये देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स और डिफिकल्टी वैल्यू 60-40 या 50-50 पे आ रहा है, हम उसकी उन आइटम्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब 40 आइटम्स हमने ली थी, उसमें से सिर्फ 17 आइटम्स हम रिटेन कर पाए। अब आप देखिए कि आप लोग जो टेस्ट यूज करते हैं आपके टेस्ट में मोस्टली 150 ऐसे आइटम्स जा रहे होते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्ट को जो एप्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट है उसको मेजर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 आइटम सफिशिएंट होती है, क्योंकि कोई भी एप्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट जो है वो 20 से 25 से ज्यादा फीचर्स को कैटर टू नहीं कर रहा होता, यानी कि 20 से 25 क्वालिटीज जो है वो सारी की सारी एड्रेस करती है उस कंस्ट्रक्ट को, उससे ज्यादा नहीं कर रही। लेकिन हमारी वीकनेस जो रहती है वो ये रहती है कि ना हम उसका डिफिकल्टी इंडेक्स निकालते हैं, ना डिफिकल्टी वैल्यू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और डिफिकल्टी वैल्यू निकालते हैं आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए, हम सिर्फ फेस वैल्यू पे उन आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए हमारे टेस्ट इतने बड़े होते हैं और हमारे स्कोर्स डिपेंडेबल नहीं आते हैं। अब हमने 17 आइटम्स हमारी यहाँ रिटेन हुई और उसमें हमने जो 7 आइटम्स थी हमें वो मॉडिफाई करनी पड़ी इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस एंड ऑल, और 16 आइटम्स हमें डिस्कार्ड करनी पड़ी, यानी कि वो 16 आइटम्स डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि जिसमें मैथमेटाइजेशन एबिलिटी है और किसमें नहीं है। अब हमने ये ड्राफ्ट फाइनल जो लिया अब उसकी हमने अब रिलायबिलिटी निकालनी है। अब आप देखिए कि रिलायबिलिटी निकालने से पहले आपकी हर आइटम क्लियरली ये मेंशन कर रही है कि यस आई एम एबल टू डिस्क्रिमिनेट, आई एम एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो, बिटवीन अचीवर एंड नॉन अचीवर, बिटवीन परफॉर्मर एंड नॉन परफॉर्मर। तो ये जो पार्ट है आइटम एनालिसिस वाला ये हम भूल जाते हैं अपनी टेस्ट कंस्ट्रक्शन में, और एप्टीट्यूड टेस्ट कंस्ट्रक्ट जब आप करते हैं, जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें आइटम एनालिसिस अगर आप नहीं करते हैं तो वो डिपेंडेबल टेस्ट नहीं होता, भले आप उसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी कितनी भी हाई शो करें कैलकुलेट करके।
लेकिन अगर आपने आइटम एनालिसिस नहीं किया है तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट डिपेंडेबल टेस्ट नहीं है। एटीट्यूड टेस्ट जो है उसमें टू लार्जर एक्सटेंट हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में आइटम एनालिसिस इज मस्ट, इट इज मैंडेटरी। अब आइटम एनालिसिस के बाद अब हम रिलायबिलिटी की तरफ चलते हैं। रिलायबिलिटी के बहुत से फॉर्मूलास दिए हुए हैं। सबसे कन्वीनियंट और सबसे डिपेंडेबल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो है स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें दो भागों में, जैसे 24 आइटम्स हैं, हम उन 24 आइटम्स के 12 आइटम एक ग्रुप में और 12 आइटम दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम उन 12 आइटम्स का एक टोटल करते हैं, 12 आइटम्स का दूसरा टोटल करते हैं, और उन आइटम्स के टोटल का मतलब दो टोटल्स आ रहे हैं। पहले क्या था, 24 की 24 आइटम्स का एक टोटल आ रहा था। अब हमें चूंकि रिलायबिलिटी निकालनी है तो हमने उसको दो भागों में बांट दिया। अब सपोज यहाँ 24 थे, अगर 25 हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, एक तरफ 12 कर लेंगे, एक तरफ 13 कर लेंगे, और उन दोनों को हम अलग अलग स्कोर कर देंगे और फिर हम उसका रिलायबिलिटी कोफिशियंट निकालेंगे। अब जब मैंने इस टेस्ट का, अपने टेस्ट का रिलायबिलिटी कोफिशियंट निकाला तो वो कोफिशियंट 0.77 आया। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 24 आइटम्स हैं वो सभी के सभी आपस में 77% हाई लेवल तक कोरिलेट कर रही है, यानी कि सभी एक दूसरे को मदद कर रही हैं मैथमेटाइजेशन एबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो ये क्या है, हाईली रिलायबल है टेस्ट, 0.77 हाईली रिलायबल है एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद जब हमारे पास ये रिलायबिलिटी आ गई तो अब हम क्या करते हैं, अब हम वैलिडिटी मेजर करते हैं। अब देखिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट था आइटम एनालिसिस वाला, या आइटम को हमने एनालाइज कैसे करना है। जब हम वो ठीक से कर लेते हैं तो हमारी जो रिलायबिलिटी है वो भी डिपेंडेबल आती है। अब हमने जब इसको रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, अब हमें वैलिडिटी देखनी है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी का क्या मतलब था, रिलायबिलिटी का मतलब था कि जो हमें रिजल्ट आज मिल रहा है इस टेस्ट से, वही रिजल्ट हमें महीने बाद भी मिलेगा। अगर हम एक बच्चे को ये कह रहे हैं कि इसके अंदर मैथमेटाइजेशन एबिलिटी है तो हम महीने बाद भी जब उसको टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर मैथमेटाइजेशन एबिलिटी होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि इस बच्चे में आज मैथमेटाइजेशन एबिलिटी नहीं है तो हम एक महीने बाद भी जब चेक करेंगे तो वही रिजल्ट्स आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट है, एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये एप्टीट्यूड है। जो एप्टीट्यूड मींस जो एबिलिटी कॉम्पिटेंसी है वो है, एग्जिस्ट करती है, दैट कैन बी शार्पेंड, उसका शार्पनिंग करके उसका मैनिफेस्टेशन अलग कर सकते हैं हम, लेकिन वो है या नहीं है ये रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है। तो जब आपने ये समझ लिया अपने टेस्ट से कि रिलायबिलिटी है, अब हम उसकी वैलिडिटी पे कंसर्न करते हैं। वैलिडिटी का मतलब है कि जो ये टेस्ट मेजर कर रहा है, करना चाहता है, क्या ये वही मेजर कर रहा है, ये कहां से हमें समझ आएगा, जो हमने कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया था मैथमेटाइजेशन एबिलिटी का, कि जो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी है हमारी, जो हमने कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया था कि जो कॉन्सेप्ट नोट में मैथमेटाइजेशन एबिलिटी को हमने दर्शाया था, क्या उसी को मेजर कर रहा है हमारा टेस्ट, एग्जैक्टली वही बातें कह रहा है, उन्हीं फीचर्स को मेजर कर रहा है, ये वैलिड है। अब इसमें कंटेंट वैलिडिटी जो है वो हमें नजर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट नोट के साथ उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट नोट में हमने बात कही है इस टेस्ट को, कि ये टेस्ट ये बात मेजर करेगा, क्या इसकी हर आइटम वही बात मेजर कर रही है, और उसकी फेस वैलिडिटी भी हमें नजर आ रही है। इसके लिए फिर से हमने जो टेस्ट हमारा रिलायबल प्रूव हो चुका है, उसके बाद फिर हमने ये टेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स के टीचर्स को दिया,
और उन मैथमेटिक्स टीचर्स को देके हमने ये जानना चाहा कि इसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी उनको नजर आ रही है, कहीं कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर आ रही है जो कॉन्सेप्ट नोट के साथ नहीं जा रहे। ये उन्होंने एक्सपर्ट्स ने, जो मैथमेटिक्स के टीचर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे स्कूल्स के, हमने उनको दिया और वहां से हमें जो फीडबैक मिला ये था कि इट इज ऑल क्लियर। हमने जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है एप्टीट्यूड टेस्ट की, सबसे शुरू में इंपॉर्टेंट बात आई थी आइटम एनालिसिस वाली, सबसे आखिर में एप्टीट्यूड टेस्ट की इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि हमने कैसे इसकी इंटरप्रिटेशन जो टेस्ट की करनी है, उसके नॉर्म्स कैसे डेवलप करने हैं। वो नॉर्म्स जो डेवलप करने हैं वो हम नॉर्म्स के थ्रू ही इसके स्कोर्स को इंटरप्रेट करेंगे। हम कैसे कहें कि जिस बच्चे का इस टेस्ट के ऊपर 20 नंबर हैं, 24 आइटम्स हैं और उसके 20 नंबर हैं, क्या कहें? क्या वो हाई मैथमेटाइजेशन एबिलिटी रखता है या वो लो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी रखता है? कैसे कहें? हमें उसके लिए नॉर्म्स डेवलप करने हैं। जो नॉर्म्स हैं वो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी के स्कोर को इंटरप्रेट करने में हेल्प करेंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम, जो हमारे पास स्कोर आया है, हम उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अब जो नॉर्म्स को हमने बनाना है, आप ये जो नॉर्म्स हैं आप ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल में नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपका स्केल इंटरवल लेवल पे या बेस्ट रेशियो लेवल पे होना चाहिए। ये आपने चार तरह के मेजरमेंट स्केल्स जो हैं पढ़े होंगे इस कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप के दौरान। जो इंटरवल स्केल है, जो ये जो एप्टीट्यूड स्केल है, रेशियो स्केल है, इसमें नॉर्म्स हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल्स में हम नॉर्म्स डेवलप नहीं करते हैं, कर नहीं सकते हैं, हो नहीं सकते उसमें। अब ये जो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी के हमने नॉर्म्स डेवलप किए, उसमें हमने क्या किया कि हमने रेंज निकाली। अब रेंज कैसे निकालेंगे आप? दैट इज अ क्वेश्चन। रेंज ऑफ स्कोर्स निकालेंगे, रेंज ऑफ परसेंट्स निकालेंगे, परसेंट्स निकालेंगे, उसके बाद अपनी रीडिंग करेंगे उसकी। तो हमने क्या किया कि हमने पहले क्या किया, सभी बच्चों के स्कोर लिखे उसमें। जो हमने रिलायबिलिटी के समय 100 बच्चों को टेस्ट दिया था, उन सब बच्चों के हमने उस टेस्ट के ऊपर स्कोर्स लिखे। 100 बच्चे थे, 100 स्कोर हमारे पास आ गया। फिर हमने उस स्कोर का रेंज निकाला। स्टैटिस्टिकली रेंज निकालने का मतलब है हमने हाईएस्ट स्कोर लिया एंड लोएस्ट स्कोर लिया, और हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में डिफरेंस देखा कितना आया। और हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो इस तरह से आ रहा है कि हम उसको, जब हम क्लास इंटरवल्स में बांटे तो 5 क्लास इंटरवल्स जो हैं वो उसे रिप्रेजेंट करती हैं। 5 क्लास इंटरवल्स कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? जो डिफरेंस आया उसको हमने किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड करेंगे हम? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो जब डिफरेंस आया और हमने वो फॉर्मूला लगा के देखा तो रेंज हमारी आई कि 10-10 की रेंज आ रही है। फिर हमने देखा कि 0 से 10 के बीच में कोई स्टूडेंट नहीं फॉल कर रहा, बट 0 to 20 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं उनके नंबर कितने आ रहे हैं? मैक्सिमम 8 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने कहा जो हमारा लोएस्ट रेंज बन रहा है वो क्या बन रहा है कि 20 लोग 8 स्कोर तक आ रहे हैं, बिलो 20 8 स्कोरर्स 8 रॉ स्कोर्स फॉल कर रहे हैं। और सिमिलरली हमने फिर 10-10 का क्लास इंटरवल बनाया, और वो क्लास इंटरवल बना के हमने हर स्कोर को उन क्लास इंटरवल्स पे फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में लिखा,
और जो फ्रीक्वेंसीज आई हमने देखा कि 20 से नीचे 8 फ्रीक्वेंसीज फॉल कर रही हैं, 8 लोग हैं जो 20 से नीचे हमें दिख रहे हैं, 20 से लेकर 40 स्कोर तक हमें 8 से 12 स्कोर वाले लोग नजर आ रहे हैं। फिर 40 से 59 पर 99 क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम 40 टू 60 लिखते हैं तो कंफ्यूजन आ जाता है कि जिसके 60 नंबर आए हैं उसको नीचे वाली स्केल मिले या उसको ऊपर वाली स्केल मिले। अब हमने देखा कि यूजेबिलिटी किसने करनी है। बहुत से ऐसे हमारे क्लाइंट्स होंगे जो इसको यूज करेंगे जो लोग स्टेटिस्टिक्स के नंबर्स के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें 40 लोअर वाली क्लास इंटरवल में लेना है या 40 हायर वाली क्लास इंटरवल में लेना है। जो तो स्टैटिस्टिक्स ठीक से पढ़े हुए हैं उनको तो ये बात समझ आएगी, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स ठीक से नहीं पढ़े पर वो स्केल यूज करना चाहते हैं तो उनको ये बात नहीं समझ आएगी। इस बात का भी हमने ध्यान रखा नॉर्म्स को इंटरप्रेट करने के लिए कि बिलो 20 का मतलब 20 नहीं है, 20 से नीचे है। 20 से 40 तक अगर हम लेके जाते तो कंफ्यूजन था, तो हमने क्या किया उसे 39.99 रखा है। अब 39.99 कोई स्कोर नहीं आया, लेकिन हमें उनको क्लियर करने के लिए जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है उनको क्लियर करने के लिए हमें ये क्या करना पड़ा, 39.99 लिखना पड़ा। अब हमने इसके जो रेंज है इसकी तैयार की और हमने इसके स्कोर्स बना दिए और स्कोर्स फ्रीक्वेंसीज बनाई और फिर हमने उसकी ग्रेडिंग। लेवल ऑफ एबिलिटी ऑफ मैथमेटाइजेशन टेस्ट जो हमने उसे ग्रेडिंग को इंटरप्रेट कर दिया कि अगर किसी का ई ग्रेड आ रहा है इस टेस्ट पे इसका मतलब उसकी पूर है मैथमेटाइजेशन एबिलिटी, और अगर किसी का सी ग्रेड आ रहा है तो इसका मतलब वो एवरेज है अपनी मैथमेटाइजेशन एबिलिटी में, और किसी का अगर ए ग्रेड आ रहा है तो वेरी गुड है मैथमेटाइजेशन एबिलिटी में। अब आप देखिए कि हमने ये टेस्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया उसको हमने जो 4 स्टेप्स फॉलो, तो अब ये देखिए, ये यहाँ पर ये भी पता लग रहा है कि जो वो आ रहा है COVID-19 सिचुएशन के बाद जो ऑनलाइन होने वाला है उसमें हम कितने चैलेंजेस फेस करेंगे और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए हमें कैसे पढ़ाना है। इट्स इट्स आई मीन हाउ फ्लेक्सिबल एंड फ्रीक्वेंट वी हैव टू, कितनी जल्दी से एक मोड से दूसरे मोड पे, एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे मोड पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये भी एक एबिलिटी है, इसको इसके लिए भी एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि ये भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक एबिलिटी टेस्ट है कि आप कितनी फ्लेक्सिबली मूव करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, और एक फ्लेक्सिबली एडजस्ट करते हैं एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में। जो बात कर रहे थे हम एप्टीट्यूड टेस्ट की, उसमें मैं यही बता रही थी आपको कि आपने किस किन बातों को ध्यान रखना है, और हमेशा ट्राई कीजिए कि कस्टमाइज किया जाए टेस्ट। अगर आप साइंटिफिक एप्टीट्यूड भी टेस्ट कर रहे हैं, ऑल तो बिल्ट किए हुए हैं टेस्ट, लेकिन बहुत सी जो एबिलिटीज जो हमारे अंदर होती हैं वो बाहर नहीं मैनिफेस्ट हो पाती हैं, तो हमें जब हम उनकी उस कल्चर या कंटेक्स्ट में रहते हैं तो उन एबिलिटीज की कहीं ना कहीं एनहैंसमेंट होती रहती है। तो अगर हम कहें कि नहीं ये कभी इफेक्ट नहीं होता, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत ही आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट हो जाता है ये, तो हमें इस सारे से बचने के लिए और रिलायबल के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कस्टमाइज करें अपने टेस्ट को, और इन स्टेप्स के थ्रू जब हम कस्टमाइज करेंगे, हम ग्लोब पर कहीं पर भी हमारा टेस्ट जब यूज होगा तो वो, अब जैसे ये मैथमेटाइजेशन एबिलिटी का टेस्ट है, अगर ये बाहर रशिया में यूज हुआ है तो उनकी भी डिपेंडेबल स्कोर्स आए हैं, उनके भी आई मीन इट इज अ कल्चर फेयर टेस्ट, कहीं पर उनके कॉन्टेक्स्ट में ये डिफर नहीं किया उनके स्कोर्स को। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगी कि इस टेस्ट को अडेप्ट करना चाहिए अगर आप अपनी कॉन्टेक्स्ट में कहीं यूज करना चाहते हैं। सो कोई भी टेस्ट आप डेवलप करें वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और वो कस्टमाइजेशन आपके कॉन्सेप्ट नोट में बड़ी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मेरे साथ इंटरेक्ट किया।
आई मीन प्लेटफॉर्म शेयर किया, और जो भी आपके प्रश्न हैं अब आप पूछ सकते हैं अगर आपका टाइम परमिट करता है. एंड विद दिस आई ऑल्सो थैंक्स द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर इनवाइटिंग मी. बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमने हम लोगों का इस अवसर पर किया.